Hey, hi, my name is Hiral Tali and I am daughter of Mrs. Ritu Tali. I would like to thank Sarvesha Group and our sponsors, Dhanshree Furnitures and JS Industries. तो आज हम बनाएंगे बिस्किट केक्स और हमें इसके लिए चाहिए बार्ले जी बिस्किट पैकेट्स, डेरी मिल्क एंड जेम्स और कॉफ़ी और एक पैकेट इनो और थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा दूध। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम हमारे जो हमने पार्ले जी बिस्किट लिए थे उसे हम ग्राइंड करेंगे और वो कुछ इस तरह सा दिखेगा। मैं एक टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। जैसे हमने अब इसमें ये कॉफ़ी डाल दी है तो अब हम जो हमने जो चॉकलेट ली थी डेरी मिल्क, हम उसे हॉट मतलब मेल्ट करके उसमें उसे मेल्ट करके पानी सॉरी दूध डाल के कुछ इस तरह होगा। और अब हम इस पूरे को इसमें डाल देंगे। देखिए अब हमने जैसे इसको पूरे को डाल दिया तो अब हमने जैसे इसमें वो चॉकलेट सिरप डाल दिया है, अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये हमने मिक्स करना से शुरू करा है। जैसे कि मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है तो अब हम इसमें हम जो थोड़ी सी चीनी ली थी हम इसमें डाल देंगे इसे, ये हमने डाला। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए इसे थोड़ा पेस्ट बनाने के लिए अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। ये अभी हमने इसमें ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना है, लेकिन हम इतना ही ऐड करेंगे जितना हमें पेस्ट बनाने के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हाँ ये देखिए, जैसे कि अभी ये पूरा अच्छे से बैटर बन चुका है, लेकिन अब हम इसे थोड़ा इवन कर लेंगे जिससे ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर बहुत अच्छे से बन चुका है। अब हम जिसमें बनाने वाले हैं, जैसे कि मैं तो उसमें अब हम जैसे देख सकते हैं कि ये अच्छे से ग्रीस हो गया है। ये हम इसलिए करते ताकि हमारा जो केक बन जाएगा उसके बाद ये चिपकेगा नहीं इस पे। तो जब तक ये गर्म हो जाएगा तब तक हम अपने इस बैटर में ये इनो डालेंगे। हमें एक पाउच चाहिए तो अब ये इनो को हम अच्छे से इसमें डाल देंगे, है ना। ये हमने इसे पूरे को डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा इनो अच्छे से मिक्स हो गया इसमें। तो अब हम जिसमें केक बनाने वाले हैं हम उसमें ये जो बैटर है उसे शिफ्ट करेंगे। तो अपन जैसे देख सकते हैं कि हमने उस बैटर को इसमें शिफ्ट कर दिया है। अब जो हमारा ओवन है वो भी ऑलमोस्ट हीट हो चुका है। तो अब हम इस मेकर को इसके ऊपर अच्छे से रख तो अब हमने इस ओवन में रख दिया है वो। अब हमें 45 मिनट्स के लिए सिम पे इसे रहने देंगे हीट कर। तो अब हमने इसे 45 मिनट्स बाद खोला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये बना है कि नहीं। इसलिए हम एक चाकू लेंगे और इसके बीच में कहीं पे डाल के देखेंगे। ये देखिए अब इस पे चिपक नहीं रहा है केक, इसलिए यानी कि ये हमारा केक पूरा भी रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे बाहर निकालते हैं गैस बंद करके। तो अभी जैसे हमने देखा कि ये पूरा रेडी हो चुका है, लेकिन हम इसे अभी नहीं निकालेंगे। हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद निकालेंगे आइसिंग करने के लिए। तो अब जैसे कि अपन देख सकते हैं कि हमारा ये जो केक है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे हमारी थाली में डालेंगे, इसलिए हम पहले इसे उल्टा करेंगे और अच्छे से थपथपाएंगे ऊपर की तरफ, जिस तरह से वो अच्छे से निकल जाए। और हमने जो घी और बटर की कोटिंग करी थी वो इसी वजह से करी थी। तो अब हम इसे थोड़ा और थपथपाएंगे और ये देखिए हमारा केक निकल चुका है और ये उसी घी और बटर की कोटिंग की वजह से हुआ है।
तो जैसे कि अब हमारी पुरानी जो चॉकलेट बची हुई थी, हम उससे इस पे कोटिंग करेंगे अब आइसिंग। इसे अच्छे से पूरे केक पे स्प्रेड करेंगे अब। तो जैसे कि अब हम इस पे पूरे पे ये चॉकलेट सिरप लगा चुके हैं। अब जो हमारी बची हुई डेयरी मिल्क थी और जो हमारे साथ हमारे पास डेयरी मिल्क जेम्स थी, उससे हम इस पे आइसिंग कर देंगे जिससे और अच्छी दिखेगी। ये देखिए अब हमारा केक कितना अच्छा दिख रहा है। और अब ये हमारा केक रेडी हो गया है। तो चलिए अब अपन इसे कट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना अच्छा बना है। कोई चॉकलेट थी।